वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को प्रीवियस सेशन में ही मैंने बता दिया था कि आज इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ओके, सो इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ओके, दिस इज व्हाट अवर टुडे दिस सेशन्स टॉपिक इज। ओके, चलिए तो पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्यों जरूरी है ये चीज जानना कि हमारा पोजीशन न्यूट्रल एक्सिस कहां लाया कर रहा है। क्योंकि अगर मुझे अमाउंट ऑफ स्टील, जैसे मैं आपको बोल दूं कि मैंने अमाउंट ऑफ स्टील 1200 mm² प्रोवाइड करा है, या मैं आपको बोल दूं 5000 mm² मैंने आप लोगों को अमाउंट ऑफ स्टील प्रोवाइड करा है किसी सेक्शन में, तो आप ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ स्टील भले ही सेक्शन को डिफाइन करते हो कि वो अंडर इन्फोर्स्ड होगा, बैलेंस होगा या ओवर होगा, बट एक और तरीका सिखाया था ना कि अगर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस सेक्शन की बैलेंस से छोटी है, XU is lesser than XU lim या XU max, then it will be under reinforced. और अगर depth of neutral axis of section बड़ी है, depth of neutral axis of balance section, तो क्या होगा? Over reinforced हो जाएगा। इसीलिए position of neutral axis को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जिस अरेंजमेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टाइप ऑफ सेक्शन पढ़ा था, उसी अरेंजमेंट में हम लोग पोजिशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को भी क्या करेंगे, समझेंगे। ओके, तो देखते हैं हमारा जो पहला हमारा सेक्शन का नाम है, दैट इज, है ना, दैट इज व्हाट इट इज, बैलेंस्ड सेक्शन। ओके, चलिए तो बैलेंस सेक्शन को अपन लोग देखते हैं कि बैलेंस सेक्शन हमारा कैसा दिखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हमारा सेक्शन कैसा भी हो, अब वो बैलेंस्ड है, ओवर रेनफोर्स्ड है या कैसा भी हो, वो आपको दिखेगा हमेशा कैसा, रेक्टेंगुलर ही। क्योंकि अभी हम लोग सिंगली रेनफोर्स से ही क्या कर रहे हैं, चीजों को डिफाइन करना सीख रहे हैं, फिर आगे आगे क्या होगा, नई चीजें सीखेंगे, डबली प्लेन्स सब आगे आएगा। ठीक है, अब आप सब जानते हैं ये चीज कि यहां पर कहीं मैं क्या प्रोवाइड करूंगा, अपना स्टील प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, यहीं पर कहीं हमारा क्या होगा, स्टील का प्रोविजन होगा। तो ये देखिए, पहले तो मैंने स्टील को यहां पर इस तरह से प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, ओके, अब इस सेक्शन का मैं क्या करता हूं, सेक्शन डिटेल लिख देता हूं। ये हो गया मेरे पास यहां पर इसका विड्थ, और ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये हो गया मेरे पास इफेक्टिव डेप्थ। हमेशा ध्यान रखना, इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम द टॉप फाइबर टू द सेंटर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट, सेंटर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट। ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहां पर आप लोग क्या चीज डिफाइन करोगे, यू विल डिफाइन अ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, अ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब देखिए यहां पर क्या ये मेरा, क्या ये मेरा बैलेंस सेक्शन है, और अगर ये मेरे पास बैलेंस सेक्शन है, अगर ये मेरे पास बैलेंस सेक्शन है बच्चों, तो ये जो बैलेंस सेक्शन होगा ना मेरे पास, बैलेंस सेक्शन का स्ट्रेन प्रोफाइल कैसा होगा, लीनियर होगा। लीनियर बैलेंस सेक्शन का है इसके कारण है, या फिर हमने अज्यूम करा है कि प्लेन सेक्शन विल रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, उस कारण से स्ट्रेन प्रोफाइल क्या होगा, लीनियर होगा। चलिए अब यहां पर अपन देखते हैं। ओके, चलिए तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यहां से पहले अपन ने ये स्ट्रेन प्रोफाइल बनाया, ये देखिए कंक्रीट का, इसको यहां पे लेते हुए आया मैं, और ये यहां पर कुछ ऐसे चले गया, है ना, ये कुछ ऐसा हो गया। और फिर ये देखिए, ये देखिए, ये स्ट्रेन प्रोफाइल हो गया मेरे बैलेंस सेक्शन का। अब बैलेंस सेक्शन लिखा मतलब सभी साथ में फेल होंगे, कंक्रीट और स्टील साथ में फेल होंगे, और जो साथ में फेल होगा मतलब अपनी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ स्ट्रेन पे होगा, तो 0.0035 यहां पर कितना होगा, पॉइंट यहां पर कितना होगा, 0.87 क्या हो जाएगा, 0.87 एफ बाय अपॉन में ई एस प्लस 0.002। क्या मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं, 0.87 fy अपॉन में es प्लस 0.002। ये चीज हो गई, क्लियर हुआ। ठीक है, ये हो गया मेरे सेक्शन का प्रोफाइल। ठीक है, अब ये जितनी भी चीजें चल रही है ना, ये जितनी भी चीज चल रही है, सेंटर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट पे ही डिफाइन करी है मैंने। ठीक है, अब आप जानते होंगे कि मुझे यहां पर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लिखना होगा, चाहूं तो मैं यहां पर XU max लिख सकता हूं, चाहूं तो मैं यहां पर XU max लिख सकता हूं, XU lim भी लिख सकता था। इस डेप्थ को मैं क्या लिखूंगा,
बच्चों देखो स्टूडेंट्स, ये अगर d है तो d में से कितना माइनस कर दिया, xum x माइनस कर दिया, तो d में से xum x कर दो माइनस, तो क्या ये मिल गया। चलिए अब आपको इस डायग्राम की मदद से, इस ट्रेन प्रोफाइल की मदद से इस xum x का वैल्यू निकालना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, जिन स्टूडेंट्स ने वहां पर x1 और x2 के वैल्यू जो मैं निकाल रहा था ना, तो ध्यान दिया होगा, तो वो बोल देंगे सर कुछ मत करो, आप तो बस सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा दो। तो आप जो बोल रहे हो वही मैं कर देता हूं, ये देखो जो आप सोच रहे हो वही मैं कर देता हूं, ये देखो ओ ए बी सी और ये नाम दे दिया डी, ठीक है, और इसको खसकाया इधर। अब देखो यहां पर क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, इन ट्रायंगल ओ सी डी, ठीक है, ये देखिए ओ सी डी, क्लियर हो गई बात, ओ सी डी क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ओ सी डी। सबसे पहले लिखूंगा मैं वहां का बेस, किसका लिख रहा हूं, ट्रायंगल ओ ए बी का, तो उसका बेस क्या हो जाएगा भैया, 0.0035 है ना, और अपॉन में यहां पर ये क्या हो जाएगा, एक्स्यू मैक्स हो जाएगा, और उसके बाद, उसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा, 0.87 FY अपॉन में ई एस प्लस 0.002, और यहां पर कितना आ जाएगा, डी माइनस ऑफ एक्स्यू मैक्स आ जाएगा, डी माइनस ऑफ एक्स्यू मैक्स आ जाएगा। यस, इज इट क्लियर, ये बनी मेरी इक्वेशन। अब इसको थोड़ा भी रीअरेंज करेंगे तो देखते हैं हमें क्या मिलता है, थोड़ा भी रीअरेंज करने पे मिल रहा है मुझे डी माइनस ऑफ एक्स्यू मैक्स, है ना, डी माइनस ऑफ एक्स्यू मैक्स, और यहां पर क्या मिलेगा हमारे पास, एक्स्यू मैक्स मिलेगा, है ना, यहां पर क्या मिल जाएगा, डी माइनस ऑफ एक्स्यू मैक्स, और यहां पर क्या मिल जाएगा, एक्स्यू मैक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मुझे ये चीज मिली तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 0.87 FY अपॉन में ई एस, यहां पर कितना हो जाएगा, प्लस 0.002 हो जाएगा, है ना, और अपॉन में, अपॉन में क्या आ जाएगा, 0.0035 आ जाएगा। इज इट क्लियर, ओके, क्या इसे मैं और रीअरेंज कर सकता हूं, तो देखिए आप समझ सकते हैं कि d अपॉन में xum x माइनस xum x अपॉन में xum x, ऐसा लिख सकता हूं मैं, ठीक है। देखिएगा आप लोग यहीं पर इस स्टेप को अब इस तरफ कर रहा हूं, ठीक है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, d अपॉन xum x, है ना, माइनस में क्या लिख सकता हूं, xum x अपॉन में xum x, ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, ये बन गया मेरे पास एक, ठीक है। अगर मेरे पास ये चीज एक ऐसी बन गई तो ठीक है, ये चीज हो गया, इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर, 0.87 FY अपॉन में ई एस प्लस 0.002 अपॉन में 0.0035, ये दूसरा, ये हमारा इसके आगे का पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा माइनस वन उठ के इधर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन होगा, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा मुझे, डी अपॉन में एक्स्यू मैक्स, डी अपॉन में एक्स्यू मैक्स, इट विल बी इक्वल्स टू 0.87 FY अपॉन में ई एस प्लस 0.002 अपॉन में कितना होगा, 0.0035, और ये क्या हो जाएगा, प्लस वन। इसको ऊपर ले जाओ, क्या बचा, d अपॉन में xu max ऊपर गया तो इससे ऐड हो जाएगा, तो 0.87 FY अपॉन में ई एस प्लस 0.0055 अपॉन में 0.0035। ये बात समझ में आई, तो ये मिली मुझे एक इक्वेशन, है ना, ये मुझे मिली एक इक्वेशन जिससे मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर xum x by d के फॉर्म में कुछ मिला, ठीक है। अब अगर मैं इसे थोड़ा बहुत भी, आप देख लीजिए एक बार स्क्रीन पे अपन कैसे चलते हुए आ रहे हैं यहां पर, ठीक है, आपको एक एक चीज यहां पर स्क्रीन पे क्लियरली दिख रही होगी, तो ये एक इक्वेशन मिली। अब आप समझ गए होंगे सर इसको रेसिप्रोकल कर दो तो आपको xum x by d के फॉर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगी, तो वही चीज मैं नेक्स्ट स्टेप में करने वाला हूं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, क्या करने वाला हूं नेक्स्ट स्टेप में मैं, ये देखिए इस तरह से लिखूंगा यहां पर xu max अपॉन में d, xu max अपॉन में d इक्वल्स टू क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर, 0.0035
35 अपॉन में 0.87 fy अपॉन में es प्लस 0.0055 ये हो गया मेरा x sum x by d। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये हो गई आपकी फाइनल इक्वेशन, तो आप इसको कभी भूलिएगा नहीं, इसको याद रखिएगा। अब अगर मैं यहां पर आपको छोटे मोटे वेरिएबल्स के बारे में समझाऊं तो उन वेरिएबल्स को मैं हाईलाइट कर देता हूं। तो देखिए ये जो fy है, एक तो ये आपको अलग से दिख रहा होगा और एक आपको यहां पर ये es जो है, एक आपको यहां पर जो है ये es जो है आपको ये अलग से यहां पर दिख रहा होगा, ये देखिए है ना। अब जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो तो हर स्टील के लिए 2×10⁵ न्यूटन पर mm², ये डिफाइंड है, इसको याद करने को भी आपको बोल रखा है। ठीक है, तो देखा जाए तो xu max by d का जो वैल्यू होगा इस fy पे ही डिपेंड करेगा। वो जो xu max by d का वैल्यू होगा, मतलब fy जिसका वैल्यू मैं अधिकतर किसमें लिखता हूं, न्यूटन पर mm² में लिखता हूं, यही तय करेगा कि मेरा जो xu max by d का रेशो है वो क्या होगा। यही तो तय करेगा कि xu max by d का रेशो क्या होगा। तो अगर मैं fy की बात करूं, है ना, अगर मैं बात करूं यहां पर fy की बात करूं, तो ये हो गया 250 न्यूटन पर mm², ये हो गया मेरे पास 415 न्यूटन पर mm², और ये हो गया मेरे पास 500 न्यूटन पर mm², है ना। यहां पर क्या हो गया 0.53, 0.48 और 0.46, ये चीज हो गई। याद रखना, जब fy 250 रखोगे तो 0.53 इसका आंसर आएगा, fy 415 लिखोगे तो 0.48, और जब fy 500 न्यूटन पर mm², 500 न्यूटन पर mm² रखोगे तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या वैल्यू आएगा, 0.46 आएगा। क्या सर हमें याद रखना है, बच्चों अब आपको ये हमेशा याद रखना है, ठीक है, जब तक आपका गेट नहीं निकल जाता, जब तक आपका सिविल इंजीनियरिंग से नाता खत्म नहीं हो जाता, जब तक आपको ये सारी चीजें क्या करना है, याद रखना है। अब आप देख लो, आपको नहीं याद रखना तो ब्रांच चेंज, स्ट्रीम चेंज, MBA की तैयारी कर लो, यही अपने पास ऑप्शन। तो ये वाला पार्ट समझ में आया, ठीक है। तो क्या हम xu max को डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बैलेंस सेक्शन कहते हैं, या हम xu max को क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं, यस और नो? तो एक ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर लिख देता हूं, आप भी याद कर लीजिएगा, वैसे तो समझ गए हम लोग। ये देखिए है ना, ये लिखा अपन ने xu max, तो xu max को अपन लोग क्या बोल सकते हैं, xu max को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बैलेंस्ड सेक्शन, ऑफ बैलेंस्ड सेक्शन, ओके, और एक और नाम क्या देते हैं हम लोग, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्या लिखते हैं हम लोग यहां पर, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, डिपेंड्स ऑन, क्या लिखते हैं हम लोग, डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ स्टील, किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये कुछ एग्जामों में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा चुका है, नॉट अ बिग डील, आपने बहुत आसानी से ये चीज समझ ली, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब एक्चुअली में यहां पर क्या होता है, एक पार्ट रहता है जो कई स्टूडेंट बाद में डाउट के फॉर्म में पूछते हैं कि सर ये मामला हमको समझ नहीं आया, तो उसे हम लोग डिस्कस करते हैं, डेरिवेशन वगैरह सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब मैंने ये पूरा जो डायग्राम है, ये जो पूरा मैंने डायग्राम है वो मैंने कैसे समझाया आप लोगों को, मतलब ये जो पूरा हमारा क्या था, डेरिवेशन बोल लीजिए, या हमने जो एक वैल्यू निकालने का तरीका समझा, ये जो हमने बताया आपको, ये बताया हमने आपको इस वाली स्ट्रेन के लिए, ये 0.87 fy अपॉन में es प्लस 0.002 के लिए, बट ये जो फेलियर स्ट्रेन है, ये जो फेलियर स्ट्रेन है, ये तो सिर्फ और सिर्फ hysd बार के लिए डिफाइन थी, है ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ hysd बार के लिए डिफाइन थी ना, क्या ये माइल्ड स्टील के लिए डिफाइन थी? तो अगर मैंने यहां पर जब ये टेबल प्रिपेयर करा, जब ये मैंने यहां पर टेबल क्या करा, प्रिपेयर करा, तो ये टेबल से आपको क्या मिल रहा है बच्चों, यहां पर तो मैं 250 का वैल्यू भी इसी में रख के निकाल रहा हूं ना, 250 का वैल्यू भी क्या कर रहा हूं मैं इसी में रख के निकाल रहा हूं, तो क्या ये गलत बात है, क्या ये गलत बात है? तो कई
पहले सोचने पर लगता है गलत बात है, ऐसे भी गलत बात है, लेकिन हमारा जो डिजाइन करने का तरीका है, हम जितने भी चीजों को आगे लेकर चल रहे हैं वो कहां से सीख रहे हैं हम लोग, IS 456-2000 से ही सीख रहे हैं। कहां से सीख रहे हैं हम लोग? IS 456-2000 से ही सीख रहे हैं। तो IS 456-2000 ने हमें कोई भी माइल स्टील के लिए अलग से क्राइटेरिया नहीं दिया है, मतलब जब उसने माइल स्टील के लिए भी XUMXYD का वैल्यू निकाला तो स्ट्रेन उसने 0.87 FY/ES + 0.002 ही लेके करा। ये समझ में आया? There is no separate clause या कोई अलग से clause नहीं दिया है mild steel के लिए, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, failure strain में failure strain HYSD की ही मान के mild steel का भी XUMXYD का ratio क्या कर रहे हैं, define कर रहे हैं। ठीक है, I hope आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, is it clear? Okay, ये याद रखना बहुत काम आएगा। ठीक है, क्योंकि section को जब हम separate करेंगे, उसका टाइप डिफाइन करेंगे, तो हमें डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर द बैलेंस सेक्शन पता होना ही चाहिए। क्लियर हो गई यहां तक की बात? तो इस सेशन में इतना ही था, मुझे आप लोगों को बैलेंस सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ निकालना सिखाना था, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। आई होप आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जहां मैं आप लोगों को अंडर रेनफोर्स सेक्शन का डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या करूंगा निकालना सिखाऊंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।